देवभूमि उत्तराखंड में ऐसे जनप्रतिनिधि चुनके आ गए और बलात्कार जैसा घिनौना अपराध जो उन्होंने किया दिल्ली में, उनका पराई स्त्री के साथ शारीरिक संबंध का वीडियो भी वायरल हो चुका है। खानपुर के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन अपने बयानों को लेकर अक्सर विवादों में रहते हैं। जहां कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन और खानपुर विधायक उमेश कुमार के बीच 36 का आंकड़ा रहता है, वहीं उन्होंने खानपुर विधायक पर गंभीर आरोप लगाए हैं, साथ ही उनसे अपनी जान को खतरा बताया है। दरअसल राजधानी देहरादून में पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने प्रेस वार्ता कर खानपुर विधायक उमेश कुमार पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए उमेश कुमार से अपनी जान को खतरा बताया है। उन्होंने खानपुर विधायक पर यूपी के अपराधियों को संरक्षण दिए जाने के आरोप भी मढ़े हैं। पूर्व विधायक ने आरोप लगाते हुए कहा कि विधायक उमेश कुमार को प्रदेश के कुछ अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त है, इसलिए वो गंभीर अनियमितताएं करते आ रहे हैं। उन्होंने राज्य सरकार से इस मामले पर ध्यान देने का आग्रह किया है। इसके अलावा विधायक पर दिल्ली में बलात्कार जैसे घिनौने अपराध का इल्जाम भी लगा डाला। दुर्भाग्य है कि देवभूमि उत्तराखंड में ऐसे जनप्रतिनिधि चुनके आ गए जिन्होंने विधानसभा के जैसे पवित्र मंडप को कलंकित किया, जिनके ऊपर टीसीओ मुकदमे दर्ज हैं और बलात्कार जैसा घिनौना मातृशक्ति के विरुद्ध अपराध जो उन्होंने किया दिल्ली में हाईकोर्ट में, जिसमें उनको कॉल किया गया, नोटिस इश्यू किया गया है, और जिनका पराई स्त्री के साथ शारीरिक संबंध का वीडियो भी वायरल हो चुका है। जहां उत्तराखंड में हमारी मातृशक्ति को हम बहुत सम्मान का औहदा देते हैं, हमारी माताओं बहनों की वजह से उत्तराखंड को आजादी मिली, उत्तराखंड बना, उसकी स्वतंत्रता सेनानी है वो, हम कैसे महिलाओं के अपमान करने वाले को बर्दाश्त करें। हमारे द्वारा खुलकर उनके विरोध में बोला गया, उनकी सच्चाई को उजागर किया गया, पहले हमें भी पता नहीं था। इसलिए खानपुर क्षेत्र की भोली भाली जनता को बरगलाकर, काले धन की चमक दमक दिखाकर, हेलीकॉप्टर्स, महंगी गाड़ियां, शराब, पैसा बांटकर ये विधायक बन गए और आज ये दुर्दांत अपराधियों को, शूटरों को, अपराधियों को बुला करके ग्रेटर नोएडा से हरिद्वार में बुला रहे हैं, किसी की उम्र कैद की सजा माफ करवा करके उसको ला रहे हैं। इनके मंसूबे बड़े खतरनाक हैं और हमारे और हमारे परिवार को इनसे जान माल का सख्त खतरा है, गंभीर खतरा है। और ये ऐसा भी कर सकते हैं, जो नाटक पहले इन्होंने रचा था, अपनी गाड़ियों का फर्जी एक्सीडेंट करा करके अपनी सुरक्षा बढ़ा ली थी, अपने ऊपर झूठा हमला करा करके हमें फंसा दें और अपनी सुरक्षा बढ़ा लें। दुर्भाग्य ये है कि उत्तराखंड में भी कुछ वरिष्ठ अधिकारी इनके अपने हैं और वो जानबूझ करके अन्याय को सपोर्ट कर रहे हैं। तो मेरा अभिप्राय है कि हमारी सरकार के मुखिया और सरकार इस अनियमितता की ओर ध्यान दें। ये घोर अनियमितता जो हो रही है और हमारी देवभूमि में जिस प्रकार का आचरण है, जो सत्य का यहाँ पे आचरण है, ईमानदारी का आचरण है, और इस तरह के व्यक्ति जो दूषित कर रहे हैं यहाँ के माहौल को, कलंकित कर रहे हैं, उनको निषेध किया जाए। अब इनको सुरक्षा बहुत बढ़ा दी गई, इनकी पत्नी को सुरक्षा दी गई, श्रीमती सोनिया शर्मा जी को, जिनके ऊपर खुद आपराधिक मुकदमे दर्ज है, किस लिए? मैं ये पूछना चाहूंगा, किस शासनादेश के तहत इनको सुरक्षा दी गई? कौन सी जनपद से इनके पास इतने गनर उपलब्ध करा दिए गए? कोई उचित नहीं है। विधायक को एक या दो गनर मिलते हैं, उतना ही इनको सुरक्षा मिलनी चाहिए, इनकी बाकी सुरक्षा हटनी चाहिए। और हमारे ऊपर जो सुरक्षा का गंभीर खतरा मंडरा रहा है, आपके माध्यम से मेरी मांग है सरकार से कि हमारी सुरक्षा को बढ़ाया जाए और भविष्य में यदि कोई अनहोनी घटना हमारे हमारे परिवारजन के साथ कोई घटती है, उसकी सीधी जिम्मेदारी विधायक खानपुर उमेश कुमार की होगी, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं। और आज मेरे साथ मेरे क्षेत्र के सम्मानित जनप्रतिनिधि आए हैं। आप देख रहे हैं देवभूमि की खबरों का सर्वाधिक देखे जाने वाला डिजिटल न्यूज चैनल न्यूज उत्तराखंड। खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लाइक और शेयर करिए। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या फिर मेल आईडी पर लिख सकते हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ उत्तराखंड, खबरें हर पल।